हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं जो ये खाना बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल खाना है और मिनटों में बन के तैयार होता है। एक तरह से ये बिल्कुल शुद्ध देसी खाना है। यहाँ पे मैंने काली मसूर की दाल ली है और यहाँ पे मैं अब इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने जीरा डाल दिया, प्याज हमारी भून चुकी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाले और अब यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं यहाँ पे हल्दी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये दाल जो है, ये अगर आप खाली प्याज में टमाटर में भी बनाओगे तो भी बहुत स्वाद बनती है बिना प्याज लहसुन के। और यहाँ पे हमारे मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया, तो मतलब कि हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने यहाँ पे दाल को डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम दाल के अकॉर्डिंग ही पानी डालेंगे और 3-4 सीटी लगवाएंगे। यहाँ पे मैंने नमक इसमें डाल दिया है और 3-4 सीटी आने तक हम इसको गैस पे रखेंगे। और अब हमारी दाल बन चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने से जो किसी भी सब्जी का टेस्ट है वो इनहेंस हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाला है और हमारी दाल बन के तैयार है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लिया है। बेसन में मैंने थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया डाला है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पानी में अच्छे से हमें मिक्स करना है, एक तरह से हमें इसका पेस्ट बनाना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे एक जो लंबे साइज़ का जो बैंगन आता है वो मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैं सर्कल में कट कर लूँगी। मेरे को ये पता भी नहीं चला, एक कट पीस कट होके दूसरी साइड चला गया था, मैंने उसको बाद में ध्यान दिया है। और हम ये जो बैंगन हमने कट किए थे उसको इस बैटर में डाल लेंगे अच्छे से। और अब हम इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें यहाँ पे ये बैंगन डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। दूसरी साइड मैंने है ना चावल चढ़ा रखे, चावल ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं, बस अब हमें इन बैंगन को फ्राई करना है। धीरे धीरे अलटते पलटते इनको हम फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी बन जाए। देखो कितने अच्छे से, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। देखो हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च ली। हरी मिर्च को भी मैंने पेस्ट में डाल के थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट चढ़ा दिया है। अब इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पेस्ट में डालने के बाद इनकी शेप थोड़ी अलग बन चुकी है और ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है। देखो हमारा सिंपल और देसी खाना और खाने में इतना टेस्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना, खाने में बहुत ही स्वाद लगता है ये। आप इसे घर पर ज़रूर बना के देखें, एकदम सिंपल और स्वादिष्ट खाना। बाय बाय।